धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद लगातार दूसरे दिन भी भीलवाड़ा में तनाव। तीन जगह हुआ लाठी चार्ज। पथराव में एक पुलिस कर्मी भी हुआ चोटिल। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली इलाके में गाय की पूंछ काटकर मंदिर के द्वार पर रखने को लेकर लोगों में दूसरे दिन भी गुस्सा नजर आया। हालांकि पुलिस ने 8 संदिग्धों को इस मामले में डिटेन करने की बात कही, इसके बावजूद सोमवार को झूठी भीड़ ने सड़कों से गुजरते हुए दुकानें बंद करवाई, जबकि माहौल को देखते हुए कई व्यापारियों ने स्वतः ही अपनी दुकानें बंद कर दी। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने अजमेर रोड पर स्थित एक शोरूम व शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को 3 बार लाठी चार्ज करना पड़ा। भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव किया। पथराव में एक पुलिस कर्मी भी घायल हो गया। आपको बता दें कि बड़ला चौराहे से भवानी नगर के बीच गांधी सागर तालाब के समीप वीर हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार पर रविवार को गाय की कटी हुई पूंछ मिली। साथ ही एक गाय भी लहूलुहान हालत में मिली थी। इस घटना के बाद भीलवाड़ा का माहौल गर्मा गया था। आसपास के लोगों के साथ ही हिंदू संगठन के पदाधिकारी संत महंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर गिरफ्तारी के लिए समय मांगा था। इस पर सोमवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया था। इसके बाद सोमवार को मां मंडलेश्वर हंसाराम मुदासिन व विधायक अशोक कोठारी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें मामले में 8 संदिग्धों को डिटेन करने की बात कहते हुए आज और कल का समय और मांगा। इससे पहले ही जेल तिराये स्थित परशुराम सर्किल पर गुस्साए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। महामंडलेश्वर ने पुलिस अधीक्षक से हुई वार्ता की जानकारी भीड़ को दी, लेकिन गुस्साए युवकों ने इस पर सहमति नहीं दी और यहां से बाजार बंद करवाने के लिए बस स्टैंड की ओर कूच कर गए। कृषि मंडी के सामने पुलिस ने इस भीड़ को समझाइश का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। ऐसे में ये भीड़ पुनः परशुराम सर्कल पर जुट गई। इसके बाद पुलिस ने पुनः झूठी भीड़ से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने परशुराम सर्कल पर लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। यह भीड़ आरके कॉलोनी में घुस गई और लाठी चार्ज के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद कुछ युवक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस ने युवकों को वहां से भी खदेड़ दिया। इसके बाद युवक शाम की सब्जी मंडी एरिया में घुस गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। युवकों ने यहां भी पुलिस पर पत्थर फेंके। इससे जिला विशेष शाखा में तैनात एक पुलिस कर्मी चोटिल हो गया। इस पर पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया। इसे लेकर सब्जी मंडी क्षेत्र में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। इससे पहले अजमेर रोड पर एक वाहन शोरूम सहित अन्य स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है। तनाव की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं बाजारों में भी पुलिस के आला अधिकारी निरंतर गश्त कर स्थिति पर निगाहें रखे हुए हैं।